ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कुछ दिनों बाद चुनावी साल में प्रवेश करने जा रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान करते हुए अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम गहलोत ने जनता की उस दुखती रग पर मम्र रख दिया है जिसे बीजेपी छेड़ना तो दूर सोचना भी नहीं चाहेगी। हालांकि ये योजना केवल बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों तक सीमित है, फिर भी अगर ये योजना ठीक ढंग से पटल पर उतरी तो महिला वर्ग का वोट शेयर तो कांग्रेस के खाते में जाना पक्का है। सीएम गहलोत द्वारा देश में सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर की यह योजना पटल पर साकार होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का प्रदेश में सत्ता का स्वप्न केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। आपको बता दें कि बीते रोज सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब अलवर पहुंची तब मालाखेड़ा में हुई एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हजारों की भीड़ के सामने ये ऐलान करते हुए महंगाई के नीचे दबी प्रदेश की जनता को राहत की रोशनी दिखाई कि सरकार 1040 रुपए के सिलेंडर को 500 रुपए में देगी। सीएम गहलोत ने चुनावी साल से पहले गरीबों को यानी बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद से प्रदेश की जनता के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के समय गैस सिलेंडर का दाम करीब 420 रुपए के करीब था। इसके बाद मोदी सरकार ने एक साथ 250 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ाकर 150 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में डलवाना शुरू किया। बाद में लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की। कोरोना संकट के समय जब जनता घरों में बंद थी, गैस के दाम बढ़ते गए और सब्सिडी भी बंद कर दी गई। वर्तमान में गैस सिलेंडर का दाम 1040 रुपए है और सब्सिडी अभी भी बंद है। ऐसे में गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर महिला वर्ग के साथ बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले क्लास को साधने का ट्रम्प कार्ड खेला है। हालांकि कैटेगरी वाइज सिलेंडर देने वाली बात के साथ ये योजना पटल पर उतरती है और साथ में अगर मिडिल क्लास के लिए भी लागू की जाती है तो कांग्रेस का सत्ता वापसी का रास्ता एकदम साफ है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद गैस सिलेंडर के दामों में कटौती वाला दाव खेलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे केंद्र सरकार की योजनाओं को टक्कर दी है। बता दें बीती 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साल 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान राजस्थान विधानसभा उस समय तालियों और टेबलों की आवाजों से गूंज उठी जब सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लेते हुए वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की घोषणा की। इस दौरान कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर सबसे ज्यादा देर टेबल बजाकर विधायकों ने स्वागत किया, जिसका लाभ 1 जनवरी 2004 के बाद हुई नियुक्तियों में भी मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत के इस सियासी कार्ड ने पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों के घरों में खुशी का माहौल बना दिया था और बाद में राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ओपीएस की मांग उठने लगी और कुछ राज्यों में तो राजस्थान की तर्ज पर इसे तत्काल लागू भी कर दिया है। विजन अब पूरे देश में ओपीएस सिस्टम को लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि गैस सिलेंडर के दाम निर्धारित करने में राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन आधे दाम में घरेलू गैस सिलेंडर देने का गहलोत सरकार का ये दाव बीजेपी पर निश्चित तौर पर भारी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ऐलान के बाद बीजेपी नेताओं की भी नींद उड़ गई है।
पेट्रोल डीजल हो या गैस सिलेंडर या अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि से व्याप्त महंगाई, इस मुद्दे पर बीजेपी कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि ये ही एक मुद्दा है जिसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है। इस बात का जनता में गुस्सा भी बहुत है। जनता की इस दुखती रग पर सियासत के जादूगर अशोक गहलोत ने राहत भरा मरहम लगाने का वादा किया है, जिससे प्रदेश भाजपा में भी खलबली मच गई है। प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के इस वादे को झूठा बताते हुए इस योजना के कभी धरातल पर न उतरने की बात कही। बीजेपी नेता ने कहा कि गहलोत की ये योजना सफल नहीं हो सकती। खैर, कुल मिलाकर बात यही है कि ओपीएस के बाद अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आधे दाम यानी 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा कर दिखाते हैं तो कांग्रेस की सत्ता वापसी काफी हद तक आसान हो जाती है। वैसे भी एक मीडिया सर्वे ने प्रदेश की 49% जनता अपने मुख्यमंत्री के काम से खुश है, लेकिन सरकार में नेताओं की बयानबाजी और अन्य बातों से उलझन में है। अगर कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना को गंभीरता से लेती है और गरीब तबके के साथ मिडिल क्लास को भी योजना में शामिल करती है, तो बीजेपी का इस बार सत्ता हासिल करने का स्वप्न केवल सपना बनकर ही रह जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।